बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने वाले कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका के जरिए रामपुर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, फिल्मी दुनिया और रामपुर का बहुत पुराना नाता है। बॉलीवुड में रामपुर से राजा मुराद साहब, उनके पिता हामिद खान, शहीद वहीद, शाहिद खान, बाल कलाकार अमन, निया शर्मा और अजान खान ने काफ़ी नाम और शोहरत हासिल की है। जिले में कई फिल्मों की शूटिंग पहले भी हो चुकी है। अब रामपुर में मुझसे बुरा ना कोई फिल्म की शूटिंग पिछले कई दिनों से चल रही। मुझसे बुरा ना कोई फिल्म की शूटिंग रामपुर में पिछले कई दिनों से चल रही है, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज नेताओं ने अपना अभिनय किया है। आज रामपुर पहुंचे हैं मुश्ताकन साहब, जिनका फिल्म में अहम रोल है, उनसे जानते हैं इस फिल्म से उनको कितनी आशाएं हैं। जी मुश्ताकन साहब, आपका रामपुर में बहुत स्वागत है। जो मुझसे बुरा ना कोई फिल्म में आपने अभिनय किया है, तो उस फिल्म से कितनी आशाएं हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी अभी रामपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ मैं फिल्म मुझसे बुरा ना कोई की शूटिंग कर रहा हूँ, जिसके डायरेक्टर मोहसिन साहब हैं, जिसके प्रोड्यूसर भूरा रहमान साहब हैं। ये मेरे ख्याल है भूरा रहमान साहब की पहली फिल्म है ये, तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर। और जिस तरह की फिल्म बन रही है, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा मोहसिन साहब ने मुझे बताया इसकी कहानी, और जिस तरह यहाँ पर अच्छे कलाकार, जो भी मजे हुए कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं मुंबई से, मतलब बॉलीवुड से, और अपनी अदाकारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं उम्मीद कर, मुझे देखिए, जहाँ तक जो आपने क्वेश्चन किया है कि इस फिल्म से कितनी आशाएं तो हर फिल्म से होती है, और लेकिन फिल्म का बनना, फिल्म अच्छा बनना बहुत ज़रूरी होता है, और ये टीम वर्क होता है जो कि एक डायरेक्टर के सुपरविज़न में बनाई जाती है। तो डायरेक्टर साहब हमारे जो हैं बहुत ही मतलब कैपेबल हैं इसके लिए, और उन्होंने एक अच्छी कहानी लिखी है, डायरेक्शन अच्छा हो रहा है। अब हम लोगों से जितना हो सकता है, हम अपनी पूरी जो हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है 35-40 साल का जो भी है, मतलब वो उसमें डालने की कोशिश करेंगे और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर आपसे कोशिश करेंगे मीडिया वालों से कि इस फिल्म को जितना ज़्यादा पब्लिसिटी करें, पूरे सिर्फ रामपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म को जहाँ तक जितना स्प्रेड कर सकते हैं, जितना इसको फैला सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए, ताकि क्या होता है आजकल के लोगों को पता चले कौन सी फिल्म बन रही है, जब वो रिलीज हो तो उसको देखें। इस फिल्म के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, फिल्म के जरिए तो जहाँ तक ये आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे संदेश क्या होगा, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है फिल्म में, संदेश कुछ ना कुछ तो होता ही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ संदेश होता है वो फिल्म में आपको नजर आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आदमी को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, या इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि आगे चल करके वो गलत फंस में हो जाए या फंस जाए या किसी को नुकसान हो। तो मुश्ताकन साहब, आपने अब तक जितनी फिल्मों में अभिनय किया है, उस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी सराहा है जी, हर फिल्म में आपका रोल अहम होता है और काफ़ी अच्छा होता है, तो इस फिल्म में भी कुछ हटके रोल है आपका क्या? अभी कितना हटके मेरे को कल परसों तक पता चलेगा, क्योंकि आज मैंने दो सीन किए इसमें, अपनी कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपने डायरेक्टर साहब बताएंगे कि ये मुझे कितना हटके मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब कि एक करेक्टर है उसको मैं कितना मतलब वो कर सकता हूँ करूँ कि मतलब वो बफूनी ना लगे, अच्छा लगे, नेचुरल लगे। देखिए, ये थे फिल्म अभिनेता मुश्ताकन साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारा जवाब दिया और फिल्म के बारे में बताया। आजम खान, ईटीवी भारत, रामपुर।